क्रोनिक हृदय विफलता को जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों में से एक रूप में माना जाता है। इस स्थिति में हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता लगातार कम हो जाती है और हृदय में पंपिंग खराब हो जाती है। आधुनिक चिकित्सा में गति को ICD यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्डियक डिवाइस या कार्डियक से ठीक किया जा सकता है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। आधुनिक चिकित्सा में मौखिक दवाएं रोगियों को जीवित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन हाल ही में लॉन्सेट अध्ययन से पता चला है कि भारत में अगर किसी को क्रोनिक हृदय विफलता का निदान किया जाता है तो एक वर्ष की मृत्यु दर में 20% से अधिक है। इसलिए पुरानी हृदय विफलता के लिए किफायती गैर सर्जिकल वैकल्पिक उपचार की बड़ी आवश्यकता है। इससे पहले मुंबई में ज्ञात पुरानी हृदय विफलता में कार्यात्मक एरोबिक क्षमता में सुधार के लिए माधवबाग हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी नामक एक आयुर्वेद उपचार का परीक्षण किया गया था, जो भारत में प्रकाशित एक यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण था। हार्ट जनरल सुझाव देते हैं कि HFRT नामक आयुर्वेदिक पंचकरण थेरेपी अकेले पारंपरिक चिकित्सा की तुलना में पारंपरिक चिकित्सा के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर 40% अधिक प्रभावी है। तो ये भारत में CHF के प्रबंधन में आशा की किरण थी। माधवबाग कार्डियक क्लिनिक धंतोली नागपुर में कार्यरत डॉक्टर सुमेरा साबिर, एक आयुर्वेद डॉक्टर, 13 वर्षों से नागपुर में अपने क्लिनिक में इस प्रभावी गैर सर्जिकल उपचार का उपयोग करने की योजना बना रही है। क्रोनिक हृदय रोग वाले अपने रोगियों में उन्होंने देखा कि इस थेरेपी से न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि LVF हृदय पंपिंग क्षमता में भी सुधार हुआ, जिसका उन्होंने उन्नत 2D इको के साथ अध्ययन किया। और आज मैं यहाँ पे जो आई हूँ, इसका मेन कारण है जो मेरा रिसर्च पब्लिश हुआ है एशियन जनरल कार्डियोलॉजी में, जिसमें हम बता रहे हैं कि जो हृदय की कार्य क्षमता है वो जो हमारी कम हो जाती है, अपनी माधवबाग का जो ट्रीटमेंट है हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी, इसके ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है और जो उनकी जो पंपिंग कैपेसिटी है हार्ट की वो बढ़ जाती है। तो ये रिसर्च पेपर अपने एशियन जनरल कार्डियोलॉजी रिसर्च पेपर में पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है अपने रिसर्च पेपर को। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल मंडोले, मैं माधवबाग में हेड करता हूँ रिसर्च डिपार्टमेंट। माधवबाग जिनके 320 से ज़्यादा सेंटर है और 450 आयुर्वेद डॉक्टर जहाँ पे काम करते हैं, तो ये जो रिसर्च में हमने उपलब्धि मिली थी हमें, सबसे पहले क्रॉनिक हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे के पेशेंट का डेथ रेट 23% है इंडिया में, तो ऐसे सिचुएशन में आयुर्वेद का वहाँ पे इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी था और ऐसा इंटरवेंशन की जो इफेक्टिव भी हो, अफोर्डेबल भी हो और ईजिली अवेलेबल भी हो। तो इसी को लेके अब तक माधवबाग ने जो रिसर्च और जो कैंपेन रन किया था, जिसमें डॉक्टर सुमेरा साबिर मैम ने भी यहाँ पे नागपुर विदर्भ में अपने पेशेंट में क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए ट्रीटमेंट की और उन्होंने पेशेंट का जो डेटा रिकॉर्ड सब मेंटेन किया, तो वो डेटा जो है वो रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ है एशियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च में। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर सुमेरा मैम को कि उन्होंने एक एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है तो यहाँ पे करके दिखाई और आयुर्वेद से क्रॉनिक हार्ट फेलियर जैसी बीमारी भी दूर हो सकती है यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया। तो थैंक यू डॉक्टर। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।